नमस्कार जी, मैं मंजू। आज नवंबर की 24 तारीख है और मैं अपने बहन भाइयों को बताऊंगी कि जो गेंदा होता है, गेंदा को आप छोटी सी बोतल में भी ग्रो कर सकते हैं। तो वैसे तो मैंने बोतल में कई बार ग्रो किए हैं, बट स्पेशली कभी एक आधी बार शायद वीडियो बनाया होगा और बहुत बार नहीं भी बनाया है। तो गार्डन के वीडियो कोई पुराने देख सकते हैं, उनमें भी देख सकते हैं। तो इनमें जो कौन कौन से प्लांट्स आप ग्रो कर सकते हैं और इन्हें हैंग भी कर सकते हैं, बस धूप आनी चाहिए। तो एक वीडियो का लिंक तो मैं आपको दे दूंगी और बाकी आप सर्च कर सकते हैं। तो ये जैसे जाफरी वाले हैं ना, ये बड़े प्लांट्स भी जैसे होते हैं, तो इन्हें भी आप एक प्लांट जो है बोतल में ग्रो कर सकते हैं। और ये जो एक बकेट मैंने इसमें कुछ लगाया था और मैंने एक ये बुनाई सिखाई थी बोटल से इसके साथ कैसे, तो ये एक एक लीटर की और उससे भी ये छोटी छोटी बोटल हैं। तो इनमें एक एक मैं ड्वार्फ वैरायटी वाला जो हाइब्रिड वाले गेंदे होते हैं तो खूब सारे फूल आते हैं, तो इनमें भी मैं एक एक लगाऊंगी। और बकेट में मैं सोच रही हूँ कि ये ज़्यादा मिट्टी है तो इसमें मैं होली होक लगाना पसंद करूँगी। तो ये भी मेरा वीडियो पड़ा हुआ है तो उसमें खूब सारे गेंदा लगे हुए हैं। और गेंदे की जैसे पौध ड्वार्फ वैरायटी वाला है तो ये अगर अच्छे से केयर की जाए तो ये 1.5-2 महीने में इसके फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए मैंने कितनी सारी ये पौध इसकी डाल दी है, बीज डाल दिया था और ये डॉग फ्लावर के भी डाल दिए हैं। तो बीच में कुछ कुछ समर पॉइंट सिटिया के भी खूब निकल आए हैं, तो वो भी फिर खुराक ले लेते हैं, तो मैं बीच में निकालती रहती हूँ फिर निकल आते हैं। तो इन्हें हम कहीं भी जो है अपने इसमें किसी भी पोट में लगा सकते हैं और बोतल में लगा सकते हैं। तो आज मैं बोतल में आपको ग्रो करना सिखाऊंगी। हाँ, ये जो बड़े प्लांट होते हैं ये टूट गए हैं हवा से, तो सपोर्ट भी मैंने दी हुई थी तो हवा चली और बारिश हो रही है, बीच से ही टूट गए हैं। तो ये वाले नहीं आपको लगाने हैं, जो खूब बड़े बड़े प्लांट होते हैं ना। तो ये प्लास्टिक वाली जो 10-10 रुपये की टोकरी आती है, तो इसमें देख रहे हैं मैंने खूब सारी ये पौध तैयार कर रखी हुई है। तो इसमें भी कुछ मैं 5-6 पौधे रखूँगी। और एक मैंने जो कार का व्हील होता है ना, उसका कवर होता है, तो उसमें भी मैंने 5-7 पौधे ड्वार्फ वाले लगाए थे, तो खूब फूलों से भरे हुए थे। तो वो भी वीडियो नंबर तो मेरे को याद नहीं है, वो सर्च कर सकते हैं। तो इसमें से साइड से, क्योंकि खूब फैले हैं ये देख रहे हैं ना, तो साइड से एक पौधा मैं निकालूंगी। तो मिट्टी मैंने जैसे कि गिल्ली की हुई है, पानी दिया था सुबह, तो एक पौधा ये निकाल के ये ऐसे बस नीचे से, ये बड़े हार्डी होते हैं ये ऐसे इस तरह से, तो ये जड़ के साथ ये मेरा आ गया है। और इसी को मैं अब एक बोतल में ग्रो करूँगी। तो ये आप बोतल देख रहे हो और इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं, और कुछ भी प्लांट्स पहले के आपके लगे हुए खाली कर दीजिए। तो मिट्टी अपने गार्डन की जैसे आप बनाते हैं वैसे ही बनाइए, और इससे आराम से एक पौधा अगर लगाएंगे तो जो मैं वीडियो का लिंक दूंगी ना, वो इससे भी हाफ बोतल है, तो उसमें इतने सारे, तब मुझे जो है गिलहरियाँ बहुत परेशान कर रही थी, और बस ऐसे गड्ढा करके गड्ढा बनाना है और ये गड्ढे में फिर ये धीरे से ये जड़ ऐसे रखनी है और ऊपर पकड़ना है, और ये मिट्टी जैसे कि मैंने ट्रांसप्लांट करना आपको सिखाया हुआ है। और थोड़ा सा हाथों से मैं ऐसे दबा दूंगी, पानी दूंगी, और ये पानी क्योंकि मिट्टी मेरी ये ऐसे दो उंगलियों से बताया ना मैंने, ऐसे सिखाया हुआ है, तो अच्छे से पानी दूंगी और छाया वाली जगह में इसको रख देना है। और अभी जो 2-4 दिन है ये पौधा आपका मुरझाया हुआ होगा, क्योंकि ये जड़ खींच के निकाला गया है ना, तो इसलिए ये ठीक नहीं होगा। और जब ये अच्छे से चलने लगे तो फिर इसे पूरा दिन की धूप में आपने रख देना है, और ड्रेनेज सिस्टम जो है आपने अच्छा रखना है। जैसे ये इसमें बास्केट में खूब घने घने पौधे हैं, तो बीच बीच से निकालती रहूँगी ताकि सबको जो है बराबर की खुराक मिले और अच्छी इनकी ग्रोथ हो, तो खूब फूल फिर इन पर आते हैं। तो जिन मेरे भाई बहनों के ज़्यादा जगह नहीं है, बड़े बड़े पोट्स रखने की जगह नहीं है, तो इस तरह की बोटल्स तो हर घर में मिल जाती हैं, और आप इनमें ग्रो करके कहीं भी दीवार पे जहाँ पे धूप आती हो, इन्हें अच्छी धूप चाहिए खिलने के लिए, तो वहाँ पे इन्हें हैंग कर दीजिए। और एक बार तो मैंने जो पॉली बैग होते हैं उनमें भी हैंग किए थे प्लांट्स, वो भी मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो ये पूरे जो इनके प्लांट्स, बड़े बड़े प्लांट्स जो हैं, वो मैंने छोटे छोटे पॉली बैग में लगा के पूरी दीवार में लगाए थे, तो वो भी मुझे वीडियो नंबर कोई याद नहीं है, तो किसी में था वो।
और ये मेरा बोगनविलिया वही है खिल रहा है जो जिसे मैंने बड़े अजीबोगरीब ढंग से वो ट्रांसप्लांट करना सिखाया था, कुछ भी नहीं डाला था और इसकी हार्ट प्रूनिंग की थी और बस गत्ते के टुकड़े टुकड़े कुछ ऐसे ही। तो वो देखिए कितने फूल दे रहा है, लंबे टाइम से ये पूरा खिला जा रहा है। तो मई महीने से पहले तक हमारे यहाँ फूल आते रहते हैं और जो जैसे ठंडी जगह होते हैं यहाँ पे बर्फ़ वगैरह नहीं पड़ती है पर मौसम में ठंडक रहती है, गर्मियों में भी उनके कहने को तो गर्मी होती है पर हल्की ठंडक ही होती है, तो वहाँ तो ये गेंदा 12 महीने लग जाता है। और हमारे जो जैसे मौसम है गर्म मौसम है तो ये ड्वार्फ वाले अभी लगा दीजिए और ये जल्दी फूल देना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मैंने बताया ना ये अच्छी केयर की जाए तो 1.5-2 महीने में फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।